ओम शांति। आज की तारीख है 20/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा जो कि पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर है, कई बच्चे आपस में जरमुई जंगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो, दिल से याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है, पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। हर एक अपना चार्ट देखे कि क्या हम पढ़ाई बराबर रेगुलर करते हैं। नंबर दो, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान सतगुरु बाबा का, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं, जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं, साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु को समर्पित कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते, ओम शांति।